Guys, try this. Okay. आया है, कैसा सा खाना है ये? इतना ऑयली मैं तो नहीं खा पाऊंगा। तक्षी, नहीं नहीं बाकी लोग ऑलरेडी काफी तारीफ कर चुके हैं तुम्हारे खाने की, सो आई एम ओके। कैसे से चेप है यार ये, इसको समझ नहीं आता क्या हम इससे बात नहीं करनी फिर भी बात करती है। अरे छोड़ो तुम ये सब, ये बताओ कि आज क्या ऑर्डर करना है। एक सेकंड ना विवेक। या विवेक, एक्चुअली मुझे ना डॉक्टर के पास जाना है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, प्लीज़ मेरे काम कर दोगे? नहीं यार, अभी मैं बहुत बिजी हूँ यार। विवेक प्लीज़, बस मैंने ना ऐड बना दी है, वो फॉर्म को सेंड करनी है, हार्डली 5 मिनट लगेंगे। यार तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या, अब तुम बीमार हो गए तो इसमें मेरी क्या गलती है, और वैसे भी तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए ना, अभी मैं बिजी हूँ, बाय। ये प्रोजेक्ट क्लाइंट को 3 बजे डिलीवर होना था, क्या कर रहे हो तुम लोग? दक्षी सर, वो सर ये प्रोजेक्ट तो नाम्या हैंडल कर रही थी और जो भी डिले हुआ है वो नाम्या की वजह से हुआ है। सर सर मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में पता भी नहीं था। नाम्या तुम्हारी गलती है, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते तुम? हाँ तुम्हारी वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई, सॉरी तो बोलने भी हो पर सर क्लेम होता। सर ये तीनों मिलके मेरे को कॉर्नर कर रहे हैं सर। ये तीन लोग एक ही बात क्यों बोलेंगे नाम है, और सब झूठ क्यों बोलेंगे? और मुझे नहीं पता प्रॉब्लम क्या है, पर मुझे सॉल्यूशन चाहिए 1 घंटे के अंदर। ओके सर। अब जाओ। सर आपने ये कॉन्सेप्ट के लिए बुलाया था। तो बेसिकली मैं चाहता था कि हम एक स्टोरी पे वर्क करें, हम किसी क्लाइंट को पिच कर सकते हैं। तो ये स्टोरी है एक छोटे लड़के की जो स्कूल में पढ़ता है, ही इज़ अ नर्ड, और उसके कोई दोस्त नहीं है, वो अकेला रहता है और कोशिश करता रहता है कि दोस्त बना सके। फिर धीरे धीरे करके वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाता है जस्ट बिकॉज वो चाहता है कि उसकी और दोस्त बन सके। ये सब उसकी क्लास का टीचर एक दिन देख लेता है और उसको बुलाता है अपने कमरे में और उसे समझाता है कि उसको सबसे पहले दोस्ती खुद से करनी पड़ेगी और कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि वो जो है जैसा है ठीक है, उसके बाद चाहे उसके दोस्त बने या ना बने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको उसका दोस्त बनना होगा वो धीरे धीरे करके बन जाएगा। ये बात जब उसको समझ में आ जाती है तो वो खुद से दोस्ती कर लेता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है लाइफ में और धीरे धीरे उसके कुछ दोस्त बन जाते हैं, बहुत सारे दोस्त नहीं बनते पर थोड़े बहुत दोस्त बन जाते हैं और वो भी बहुत होते हैं। तो ये है पूरी स्टोरी, तो कैसी लगी तुम्हें? सर मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, थैंक यू सो मच सर। Take care. Thanks a lot, sir. We at times are running behind people because we are not confident about ourselves. It's high time to be friends with ourselves. That's it for this story. See you next week. Khuda hafiz and stay positive.
If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.